And we are starting with the discussion on a very interesting topic, and of course, a very serious one also, and that is about the great Indian bustard. The Thar is the world's most populated desert, home to both people and wildlife. The Desert National Park is sculpted from the Thar biosphere reserve where the iconic great Indian buster lives locally known as the Godavan, the term bustard translates to slow bird which indeed it is because of its huge bill the bustard काफी बड़ी सी चिड़िया है जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पर्टिकुलरली गुजरात राजस्थान जैसे एरियाज में पाई जाती है

दिस पर्टिकुलर बर्ड विल बिकम एक्सटिंक्ट यानि ये सिर्फ फिर किताबों के पेजेज़ में एज पिक्चर्स रह जाएगी एंड देर विल बी नो इंडिविजुअल ऑफ़ दिस पर्टिकुलर स्पीसी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड इफ़ वी डोंट टेक केयर राइट नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत सारे एनिमल्स को ख़त्म किया है कैसे ख़त्म किया है लॉस ऑफ हैबिटेट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हंटिंग हम इलीगल हंटिंग करते रहते हैं जानवरों को मारते रहते हैं फॉर आर ओन बेनिफिट्स कॉमर्शियल एज वेल एज पर्सनल और हम जानवरों को मारते रहते हैं धीरे धीरे वो बेचारे ख़त्म हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जिन्हें हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं और कई को हमने बहुत खतरे में भी डाल दिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये बर्ड जो है और स्टेप्स लिए जा रहे हैं ऑलरेडी इनके लिए प्रोटेक्शन uh, का स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ है ताकि इन बर्ड्स को बचाया जा सके 2011 में ये बर्ड्स की संख्या इनका नंबर इंडिया में 250 के करीब था बट इन 2018 इट गॉट रिड्यूस टू 150 ओनली सो दैट इज़ वाई आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर वाई आर वी डिस्कसिंग वाई आर वी रीडिंग अबाउट दिस बर्ड नाउ और वाई विल बी रीड अबाउट दिस बर्ड नाउ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ़ दी एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स इन इंडिया ओके और खास बात यह है कि ये सब कॉन्टिनेंट में ही ज़्यादा पाई जाती है एंड स्पेशली इन इंडिया इंडिया के कई स्टेट्स में ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है जैसे उत्तर प्रदेश है ऑल अदर स्टेट्स ये सिर्फ अब कुछ वेस्टर्न स्टेट्स में ही पाई जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स में राजस्थान और गुजरात में है सो चिल्ड्रेन लेट्स प्रोसीड एंड सी ये बर्ड क्या करती है बट देन बिफोर दैट वी हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे नो चिल्ड्रेन आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू दैट वेन एवर यू स्टार्ट विथ योर लिटरेचर वीडियोज यू मस्ट भी रेडी विद योर लिटरेचर टेक्सट बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो इफ़ यू हैव नॉट गॉट इट रेडी विद यू देन यू मस्ट गेट इट

और कब हुआ था ये कब डिसाइड हुआ और कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था लेट्स रीड इट्स ऑन योर बोर्ड ऑन ट्वेंटी दिसम्बर टू थाउजेंड थर्टीन एट एट सिक्सटी एट्थ सेशन द यू एन जी ए दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन इट्स रेजोल्यूशन यू एन सिक्सटी एट टू हंड्रेड फाइव डिसाइडेड टू प्रोक्लेम थर्ड मार्च द इंटरनेशनल डे ऑफ द एडोपन ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एस साइट्स ऑन द प्लान रेज अवेयरनेस एंड बेनिफिट्स फोना एंड फ्लोरा इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विच वॉज प्रपोज बाय थाईलैंड टू सेलिब्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा नाउ सी ये जो साइट्स है दैट मीन्स की ये जो ट्रीटी था ये ट्रीटी उस दिन साइन हुआ था और बेसिकली ये जो एंडेंजर्ड स्पीसीज का ट्रेड होता है उसको चेक करने के लिए था और 2013 में थर्ड मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करने के लिए डिसीजन लिया गया था नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट इज दिस साइट्स ना साइट्स का ये पोस्टर है यू कैन सी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा फोना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स तो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो ट्रेड होता है पर्टिकुलरली एंडेंजर्ड स्पीसीज का उसके बारे में बात करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस डिसाइड किए गए थे और वही ये ट्रीटी साइन हुआ था नो लेट्स है लोकेटेड साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा Also known as the Washington Convention. Now, this is also known as the Washington Convention. Is a multilateral treaty. Multilateral ka matlab jise kai deshun is sign kyao uh, to protect endangered plants and animals. Its aim is to ensure that international trade. इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटेन द सर्वाइवल ऑफ़ द स्पीसीज इन द वाइल्ड एंड इट अकॉर्ड्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर दैन थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी ये जो ट्रेड होता है ये जो स्पेसिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के कहीं ये उनके सर्वाइवल के लिए ही खतरा ना बन जाए इसका ये ध्यान रखते हैं कि ये जो ट्रेड होना है एनिमल्स और प्लांट्स का ये कैसे होना है इस पर एक चेक लगाते हैं इस पर वेरियस चेक पॉइंट्स हैं कि क्या इसमें इनको कर सकते हैं लोग और क्या नहीं कर सकते हैं ओके सो साइट्स यू मस्ट नो दिस इज द ट्रीटी दैट वॉज साइंड ऑन थर्ड मार्च एंड देन लेट्स प्रोसीड ये है इस साल का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का पोस्टर सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ ये 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एज यू कैन सी ये इस साल का पोस्टर है ओके ये बैनर है यू कैन सी इट एनी वेयर ऑन इंटरनेट या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड लाइफ डे के सेलिब्रेशन जहाँ पे भी होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी हुए हैं हर जगह ये बैनर तुम्हें दिखाई देगा ओके यू कैन सी सस्टेनिंग मीन्स द ह्यूमन फॉर्म द एनिमल्स प्लांट्स हर किसी का सस्टेनेबिलिटी वेदर मरीन लाइफ और द लाइफ ऑन द अर्थ एवरी मीन्स ऑन लैंड किसी का भी सर्वाइवल सस्टेनेबल हो हर कोई एक दूसरे को जीने दे और खुद भी हैप्पीली जिए दैट इज द मोटो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आर चैप्टर और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर का रीडिंग दिस इज एक्चुअली एन इंटरव्यू एक लड़का है अनूप जिसे बड़ा इंटरेस्ट था ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानने में और उसने एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के संग एक इंटरव्यू uh, एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के संग रादर एक इंटरव्यू सेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इस टीचर एंड हेयर इज द इंटरव्यू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अनूप एंड द आंसर्स गिवन बाय द वाइल्ड लाइफ रिसर्चर एंड द लाइन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज हेयर ये है जो लाइन मैं तुमसे कह रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में When is it celebrated? What is its logo and the treaty that was adopted on that day? So, this you should know. Now, let us proceed with the reading of the chapter. Anup was particularly interested in the great Indian bustard. With the help of his teacher, he had written to Miss Paul, a wildlife researcher, and set up an interview. Okay, Miss Paul, a wildlife researcher. रीड एंड एक्स्ट्रैक्ट फ्राम द इंटरव्यू डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव इन फॉरेस्ट ये हम तुम भी सोच रहे हो गए इतने पूरे डिस्कशन में कि जंगलों में ही रहती होगी ये चिड़िया और कहाँ रहेगी बट यू विल बी सरप्राइज टू नो इट्स नेचुरल हैबिटैट फार फ्राम इट इन फार फ्राम इट सो द रिसर्चर मिस पॉल सेट इनफैक्ट जंगलों से बहुत दूर रहती है ये चिड़िया इन फैक्ट दिस बर्ड लिवस इन वाइड ओपन लैंडस्केप्स विच हैव स्पार्स ग्रासेस एंड श्रब्स यानी ओपन लैंडस्केप्स थोड़ा बैरन टाइप के एरियाज में रहना पसंद करती है जहाँ पे स्कैटर्ड ग्रासेज एंड श्रब्बस हों यानी टॉल ट्रीज भी ना हों आसपास ऐसे एरियाज पसंद करती है प्रेफ़र करती है ये बर्ड इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्राउंड सर्चिंग फॉर फूड इट्स लॉन्ग लेग्स इन फ्रंट फेसिंग टोर्स हेल्प इट टू रन फास्ट

I have read that it is the heaviest flying bird in India. Is that true? So Anoop says that I have heard, I have india that this is the heaviest bird in India. And let's see Miss Paul's reply. Indeed at about 15 kgs, it is bird ka hai 15 kg it is the heaviest flyer in India but not in the world. The world record is held by a relative if we may call it so. It is the cory Bustard. च इज़ फाउंड इन एफ्रीका एंड कोरी ऑफ इन वेज एटीन के जी यानी इंडिया की हैवीएस्ट उड़ने वाली चिड़िया इंडियन बस्टर्ड है लेकिन दुनिया की सबसे भारी उड़ने वाली चिड़िया कोरी बस्टर्ड है जो अफ्रीका में पाई जाती है एंड इट इज़ एटीन के जीज इट वेज एटीन के जीज द इंडियन बस्टर्ड वे इज अराउंड फिफ्टीन के जीज वॉट डज़ दी जी आई बी इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ईट The bird's diet varies according to the season. The bird feeds on grass seeds, agricultural crops such as groundnuts and millets, as well as insects such as grasshoppers and beetles. It also eats rodents and lizards. We may term it as an omnivore. As it generally lives in arid regions, it has evolved to manage with very little water. It usually breeds in the monsoon season. विच इज़ वेन फूड इज़ मोस्ट ईजली अवेलेबल नो डैट मीन्स कि ये जो बस्टर्ड है ये सब कुछ लगभग खा सकती है ग्रास खाती है ग्रास सीड्स खाती है छोटे मोटे कीड़े जैसे ग्रास हॉपर्स बीटल्स ये सब भी खा लेती है जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स भी जो फूड क्रॉप्स हैं एक्चुअली वो भी खा लेती है एंड इवन जो स्मॉल एनिमल्स हैं जो रोडेंट्स हैं रोडेंट्स जनरली मैमल्स uh, ही होते हैं जो जिनके इंसाइजर्स जो होते हैं जो इंसिजर्स जो टीथ हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं एंड दे यूजुअली बरो वो ब, ब, होल बना के उसमें रहते हैं जमीन में होल बना के दे यूजुअली मेक बरोज दे आर बरोइंग एनिमल्स तो इन एनिमल्स को भी खा जाती है जैसे कि छोटे मोटे लिजर्ड्स हुए या कोई छोटे चूहा हुआ या ऐसा कुछ उन्हें भी ये बस्टर्ड खा जाती है सो इन वन टर्म यू कैन कॉल इट एन ओमनी एनिमल और एन ओमनी वोर ओमनी वोर माने जो Uh, दोनों हर्बी और कार्दी दोनों है यानी जो फ्लैश भी खाए और जो ग्रीन लीव्स भी खाए दोनों ओके प्लांट प्रोडक्ट भी खाए और जो फ्लैश भी खाए इट ब्रीड्स इनका ब्रीडिंग सीजन मानसून होता है पर्टिकुलरली बिकॉज कि उस समय खाना ईजीली अवेलेबल हो जाता है वन मोर थिंग कि ये जो बर्ड्स हैं ये क्योंकि यूजली ड्राई एरियाज में एरिड इज़ ड्राई यूजली ड्राई एरियाज़ में रहती हैं इसलिए इन बर्ड्स ने कम पानी में मैनेज करना सीख लिया है ओके okay, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं आई रेड दैट इट लेज़ एग्स ऑन द ग्राउंड डज़ इट नॉट बिल्ड अ नेस्ट अनूप ने कहा कि मैंने सुना है मैंने पढ़ा है कि ये बर्ड ज़मीन में एग्स देती है ये ज़मीन में अंडे देती है क्या ये नेस्ट नहीं बनाती है दूसरे बर्ड्स की तरह नो द फीमेल स्क्रेप्स द सॉयल इन अ सेक्लूडेड प्लेस टू ले हर एग जनरली शी लेज ओनली वन एग तो जो मिस पॉल है उन्होंने कहा कि नहीं ये चिड़िया जो बस्टर्ड है जो इंडियन बस्टर्ड है ये नेस्ट नहीं बनाती है ये किसी लोनली प्लेस में सेक्लूडेड का मीनिंग दिया हुआ है प्राइवेट अलग जाके कोई कोई अलग सी जगह पर जाकर ये जमीन में ही थोड़ा सा मिट्टी स्क्रैप करके स्क्रेप करके रादर और उसी में एग देती है अपना एंड जनरली एक ही एक बार में एक ही अंडा देती है ये चिड़िया ओके देन वॉट हैपन लेट्स सी शी इनक्यूबेट्स द एग फॉर ट्वेंटी फाइव डेज बिफोर द चेक इज हैच है चेक इज द बेबी बर्ड सो so, 25 दिनों तक वो उस एग को हैच करती हैं यानी उसको इनक्यूबेट करती हैं जो जो इनक्यूबेट करने का मतलब होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स को एक तरह से हीट प्रोवाइड करती हैं और उसके ऊपर बैठकर वो अपने बॉडी हीट से उसको इनक्यूबेट इनक्यूबेट करती हैं और फाइनली जो चिक है वो करीब पच्चीस दिनों तक हैचिंग इनक्यूबेशन इंक, के बाद हैच करते हैं यानी एग से बाहर निकलते हैं द एक्सपोज एग इज़ ऑलवेज इन डेंजर from predators. Predators यानी दूसरे जानवर जो किसी और जानवर को मार के खाते हैं ये जो एग ये ले कर देती हैं इनके एग देने के बाद अब उस एग को हमेशा खतरा होता है दूसरे जानवरों से जो उस एग को खा सकते हैं या इवन जो न्यू बॉर्न चिक है उसे भी खा सकते हैं द मदर टू बी अलर्ट टू कीप द एग एंड द न्यू चिक सेफ द मेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द नेस्ट इनक्यूबेशन और द रेजिंग ऑफ द चेक इट इज द मदर बर्ड हु डज दिस अलोन ओके सो द मेल काउंटर पार्ट डज नथिंग ना तो वो नेस्ट बनाने में हेल्प करता है ना ही इनक्यूबेशन में और ना ही इन चेक को बड़ा करने में द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द नेस्ट लेइंग द एग एंड रेजिंग द चिक इंटू अ फुल ग्रोन बर्ड रेस्ट विद द मदर ओके और जो मदर हैं उन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग को और न्यूली बॉर्न चिक को सेफ गार्ड करे प्रिडेटर्स से दिस बर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर बर्ड्स दैट वी सी और रीड अबाउट वेयर कैन वी सी इट एन अनूप से इसकी बिल्कुल अलग टाइप की बर्ड लगती है इसका जो स्ट्रक्चर है जो इसका लाइफ है ये बिल्कुल अलग तरीके का है तो ये बर्ड हम कहाँ पर देख सकते हैं अलास ना अलास इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस इट इज़ नॉट सो ईजी टू स्पॉट वन सो मिस पॉल कहती हैं कि वेल well, दुख दुख की बात है कि इस बर्ड को देख पाना इतना आसान नहीं है देर आर ओनली वन फिफ्टी बर्ड्स लेफ्ट इन इंडिया सिर्फ वन फिफ्टी बर्ड्स बचे हैं इंडिया में मोस्ट ऑफ देम आर इन राजस्थान एंड गुजरात देर आर फ्यू बर्ड्स स्टिल इन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश बट दे हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उड़ीसा एंड तमिलनाडु इन स्टेट्स से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं ये बर्ड्स ओके लेकिन अभी भी राजस्थान और गुजरात तो उनका मेन हैबिटैट है बट देन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका और एमपी में भी उन्हें देखा जा सकता है इन डीड आई रेड दैट इट इज़ इन ग्रेट डेंजर समथिंग अबाउट बींग क्रिटिकली एंडेंजर्ड सो अनूप ने कहा कि जी मैंने पढ़ा है कि बहुत डेंजर में है इन बर्ड्स की लाइफ कुछ बताइए इनके क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के बारे में येस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट सो दैट इट डज नॉट बिकम एक्सटेंट

कि एक बर्ड होती थी डोडो जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है तो क्या ऐसा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ भी हो सकता है क्या वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है इट कुड हैपन देन स्टूडेंट्स लाइक यू विल ओनली बी एबल टू सी पिक्चर्स ऑफ द बर्ड एंड नेवर इन रियलिटी शी सेज़ येस इट इज़ इन डेंजर ऑफ़ बींग एक्सटिंक्ट और अगर ऐसा हो गया तो बस खाली फ़ोटो देख पाओगे कभी सच में नहीं देख पाओगे Here is a picture of dodo. The poor bird is already extinct, thanks to human activities of intervention in the lives of these poor creatures. Why so? And Anoop said, "Why will this happen that we will never see Why will khatam ho Well, there are several reasons. The great Indian bustard, found in some parts of Pakistan, is hunted there. Poaching is still practiced in India. Poaching is illegal hunting also, there's a sharp decline in the natural habitat of this bird. a major cause is the expansion of agricultural field. expansion of agricultural field jitna hota ja raha hai, in birds' ka habitat utna kam hota ja raha hai. and the increase in mechanized farming in the areas where the great indian bustard lives. this also means that human settlements get closer. यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जैसे लोगों के घर बनते जा रहे हैं ऐसे जगहों पर जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेचुरल हैबिटेट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं मकैनाइज फार्मिंग हो रही है मशीन्स यूज़ हो रही हैं और जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वो एक्सपैंड करती जा रही हैं तो यूजुअली इन जो बस्टर्ड्स की ही जो लाइफ होती है वही एंडेंजर्ड होती है क्योंकि इन्हीं के एरियाज़ में वो फील्ड्स को बढ़ाया जाता है

एज़ आई हैव मेन्शंर द जी आई बी लेज़ इट्स एग्ज ऑन द ग्राउंड एंड डॉग्स ऑफ एन ईट द एग्स इनके सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है डॉग्स एक तो एक बार में एक ही अंडा देती है ये जो बर्ड्स हैं और वो जो एक अंडा है वो अक्सर डोग्स खा जाते हैं यानी इनका रिप्रोडक्शन और इनका जो स्पीसी है उसका कंटिन्यूएशन उस स्पीसीज का दैट ऑल्सो इज वेरी डिफिकल्ट अंडर द गि कंडीशंस Sometimes a great Indian bustard may simply dash against the high tension electric wires planted uh, in its habitat and uh, get electrocuted. That means कि कई बार ऐसा भी होता है कि high uh, tension electric wires ऊपर जो लगे रहते हैं pillar uh, जो poles होते हैं बिजली के supply के जो power supply के poles होते हैं उनमें जो तार लगे रहते हैं कई बार ये बिचारे birds उन तारों से टकरा जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक से इनकी डेथ हो जाती है इलेक्ट्रोक्यूटेड मीन्स इंजर्ड और किल्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक इट मे ऑल्सो बी हिट बाय फास्ट मूविंग व्हीकल्स कई बार फास्ट मूविंग वहीकल्स से भी इनको चोट लगती है क्योंकि ये ज़मीन पे वॉक बहुत करती हैं तो अगर ये रास्ते में आ गए हैं चलते हुए तो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से भी दब के मर सकते हैं

रिसर्च हेल्प टू अंडरस्टैंड द इशूज साइंटिस्ट हेल्प टू लुक एट पॉसिबल वेज टू एड्रेस द इशूज़ वेल द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाय सेटिंग असाइड फंडस एंड मेकिंग सूटबल लॉज एज वेल एज इंश्योरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन एन जी ओज कैन क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कौन क्या कर सकता है ये पूरा बताया यहाँ मिस पॉल ने कि रिसर्च जो करते है, जो हैं जो रिसर्चर्स हैं वो ये बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जो साइंटिस्ट है वो उसका सोल्यूशन बता सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो फंड्स उसके लिए निकाल सकते हैं अलॉट कर सकते हैं और सुटेबल लॉज बना सकते हैं ताकि बस्टर्ड्स को नुकसान न पहुंचाए लोग एंड फाइनली जो एन हैं वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसी एक एंडेंजर्ड स्पीसी है और उसकी रक्षा करनी चाहिए यानी एक जॉइंट एफर्ट इन सारे ग्रुप्स का चाहिए इन सारे विंग्स का चाहिए जो अगर मिल के काम करेंगे तभी हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचा पाएंगे बिफोर वी प्रोसीड लेट्स रीड हेयर द इंटरनेशनल यूनियन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयोसियन इज द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड मेजर्स नीडेड टू सेव इट द आयोसियन रेड लिस्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एट वॉट लेवल ऑफ रिस्क स्पीसीज इज एज पर द रेड लिस्ट ऑफ टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज रेड लिस्ट जो होती है जो आयुसियन रिलीज करता है उस उसके हिसाब से दो हज़ार ग्यारह की रेड लिस्ट के हिसाब से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज दिस मीन्स दैट इट फेसिस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वल्ड यानि बेहद खतरे में है ये और एक्सटिंक्ट होने के कगार पे खड़ी है ये पर्टिकुलर बर्ड्स की स्पीसी ओके अनूप देनास्ट कैन स्टूडेंट्स लाइक मी हेल्प इन एनी वे एंड देन अनूप वॉज रियली कंसर्न एंड ही सेट कि मैम क्या मेरे जैसे व्यक्ति मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कर सकते हैं इन बर्ड्स को बचाने में you have already started by trying to know more about this bird as you know how uh, as you now know the great indian bustard is a fascinating bird and it is in great danger you must share this information with your friends okay you could also work to spread the message of conservation of the species and their habitats the future and safety of wildlife and the environment lies in the hands of यंग पीपल लाइक यू सो चिल्ड्रेन यू कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस मैसेज कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल बर्ड है एक बहुत ब्यूटिफुल क्रिएशन है नेचर का और वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है जिसमें कि बहुत बड़ा रोल ह्यूमन बींग्स का भी है सो यू मस्ट ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल की ये जो बर्ड है इसकी रक्षा करनी चाहिए तुम पोस्टर्स बना सकते हो तुम सोशल मीडिया पे ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो कि इस बर्ड को कोई भी नुकसान न पहुंचाए क्योंकि ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे खड़ी है थोड़ा और मिस हैंडलिंग अगर की ह्यूमन बींग्स ने दिस पुअर बर्ड विल बी गॉन फॉर एवर दिस अर्थ ओके सो देन अनूपसेड इन डीड आई शैल थैंक यू फॉर द इंटरव्यू ही वॉज़ much obliged for the wonderful interview that miss paul gave okay now before we finish today's lecture here are a few lines about the author meena raghunathan and mamta pandya these two have written this particular uh, chapter that is there in your book now let's see meena raghunathan has worked as an environmental educator for close to 20 years she has been involved closely in education and skill development for the last 14 years and has authored edited over 40 publications for teachers students and the public. She has also anchored several government of India reports on sustainable development issues. She writes for children as a hobby. Namamta Pandya has over 30 years of experience in environmental education and instructional design. She' is now an independent educator, editor and author. Now both of these women, very experienced in environmental studies, and they have been doing their best in, to propagate the environmental consciousness among people. And children, you must also do your bit. After all, it is our environment that we have to protect. We are doing it for each one of us, and it is everybody's earth. We have to have a sustainable life on it. And with this, we come to the end of this chapter. Go through the question answers, try to solve them on your own before you check out from the study material. And take care till we meet again with a new chapter. Bye.